नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जून दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा रामायण मंदिर में यह कुछ होगा खास। अब रेहड़ी पटरी वालों से ऑनलाइन सामान मंगा सकेंगे बिहारवासी। बिहार शिक्षक नियुक्ति की पात्रता में कई अन्य विषय भी शामिल। जाने देश में किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स। IPL 2024 में धोनी की वापसी पर CSK के CEO का बड़ा बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CSIR, CSM, CRI ने 43 पदों पर निकाली भर्ती। CSIR, CSM, CRI के द्वारा टेक्नीशियन, जूनियर स्टेनोग्राफर आदि के कुल 43 पद के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से पदानुसार SSC, 10वीं इंटरमीडिएट, ITI, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, MBA और अन्य निर्धारित पात्रताएं व कारणभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट csmcri.res.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा रामायण मंदिर में यह कुछ होगा खास। महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर कैथवलिया में 120 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है, जिसे वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और फिर उसके बाद शिखर का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस मंदिर में 210 MT का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 33 फुट होगी। उसे 156 पहिए वाले ट्रक से महाबलीपुरम से यहाँ लाकर स्थापित किया जाएगा। वहीं शिवलिंग स्थापित होने के बाद ही शिखर सजावट का कार्य पूरा किया जाएगा। बता दें कि यह मंदिर 3 मंजिला होगा, जिसमें भक्तों को रामायण काल के सभी पात्रों के दर्शन मिल सकेंगे। इसके साथ ही रामायण मंदिर का निर्माण करने वाले दिल्ली की संतज इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी के मालिक के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए उनकी ओर से 11 लाख रुपए सहयोग राशि के रूप में दी जाएगी। बिहार शिक्षक नियुक्ति की पात्रता में कई अन्य विषय भी शामिल। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा BPSC की ओर से ली जाने वाले शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में कक्षा 9 और 10वीं के विज्ञान शिक्षक बनने के लिए अर्हता में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि पहले इसके लिए केवल जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र के अभ्यर्थियों के द्वारा ही आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब इन विषय के अभ्यर्थी भी कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के विज्ञान शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अब वैसे अभ्यर्थी जो जुलाई के महीने में CTET पेपर 1 में शामिल होते हैं, वह भी इस वर्ष 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाना चाहिए। बिहार में नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर मुश्किल में पड़ सकते हैं अभिभावक। बिहार में सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाया जा सके और नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर नकेल कसा जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के द्वारा जिलों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। मालूम हो कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पहले की तुलना में ज्यादा सख्ती अपनाई जाएगी और लोगों को कई गुना अधिक जुर्माना भी देना होगा। वहीं परिवहन व यातायात पुलिस की ओर से विशेष ध्यान नाबालिग चालकों पर रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पाए जाते हैं तो इसका दोषी नाबालिग के बजाय अभिभावक को माना जाएगा और इसके बदले में अभिभावक को 25,000 रुपए जुर्माने के रूप में भरने होंगे और साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और विकल्प का निबंधन भी रद्द हो जाएगा। वहीं अभिभावकों को थाने बुलाने के बाद ही नाबालिग को छोड़ा जाएगा। मालूम हो कि परिवहन विभाग के द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं में नाबालिगों की मौत की समीक्षा के बाद लिया गया है। नियमों का उल्लंघन कर मांस मछली बेचने वालों पर पाबंदी को लेकर इस दिन होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर मांस मछली बेचने वालों पर पाबंदी को लेकर अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा इस मामले पर विस्तृत हलफनामा दायर करने को लेकर पटना नगर निगम को फिर से 2 सप्ताह का समय दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट से पिछली सुनवाई में इस मामले पर विस्तृत जानकारी देने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा 3 सप्ताह का समय मांगा गया था और बताया था कि आधुनिक बुचरखाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2 सप्ताह बाद की जाएगी।
अब राज्य में देसी गायों पर मिलेगा अनुदान। राज्य में किसानों को कम खर्च में देसी गाय पालन कर आय बढ़ाने में मदद मिल सके, इसके लिए पहली बार इस साल देसी गाय पालन योजना लागू होने वाली है, जिसके तहत साहिवाल, गिर, थारपारकर जैसे देसी नस्ल की 2, 4, 15 और 20 गाय की यूनिट गाय पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि 2 और 4 गाय की यूनिट पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50%, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC और ST वर्ग के किसानों को लागत मूल्य का 75% अनुदान दिया जाएगा। वहीं 15 और 20 गाय की यूनिट पर सभी वर्ग के किसानों को 40% तक का अनुदान मिलेगा। मालूम हो कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजना पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है। अनुदान को लेकर पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम का कहना है कि योजना पशुपालकों की आय बढ़ाने को लेकर लाई गई है। 15 और 20 गाय पालन की योजना से राज्य में रोजगार भी बढ़ेंगे और साथ ही दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। मालूम हो कि 4 गाय पालन के लिए 5 कट्ठा जमीन का कागजात चाहिए, तो वहीं 15 व 20 का पालन के लिए 10 कट्ठा जमीन के कागज होने चाहिए। वहीं इस योजना का लाभ 55,000 से अधिक गाय पशुपालकों को देने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के लिए लगभग 40 करोड़ की राशि का प्रावधान है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामचंद्र मांझी के बारे में। रामचंद्र मांझी का जन्म 1925 में बिहार के सारण जिले के ताजपुर में हुआ था। यह एक भारतीय भोजपुरी लोक नर्तक और रंगमंच कलाकार थे, जो लौंडा नाच कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह भिखारी ठाकुर की नाटक टीम के सदस्यों में से एक थे। वह ड्रामा टीम के सबसे उम्रदराज सदस्य थे। उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने सुरैया, वहीदा, रहमान, मीना कुमारी, हेलन आदि जैसे कई बड़े नामों के सामने प्रदर्शन किया है। 2017 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, हालांकि उनका अभिनंदन 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। जनवरी 2021 में उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने लौंडा नाच पर नाच भिखारी नाच नाम की 72 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया है। बिहार में बिजली नुकसान का होगा आकलन। बिहार में बिजली के नुकसान का सही आकलन किया जा सके, इसके लिए डिस्कॉमर्स की ओर से इस काम को करने के लिए विशेषज्ञ निजी एजेंसी की मदद लेने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसके लिए भारत सरकार के एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मानकों और एनर्जी ऑडिट रेगुलेशन 2021 के प्रारूप के अनुसार ऑडिट होगा और यह देखा जाएगा कि ट्रांसमिशन से कितनी बिजली निकली और 33 KV से 11 KV पावर सब स्टेशन के बीच कितनी बिजली पहुंची है, और फिर 33 KV से 11 KV पावर सब स्टेशन से कितनी बिजली निकली और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और उपभोक्ताओं तक कितनी बिजली पहुंची, इसका आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही पहले से इकट्ठा किए गए डेटा का भी सत्यापन किया जाएगा। अब रेहड़ी पटरी वालों से ऑनलाइन सामान मंगा सकेंगे बिहारवासी। बिहार के लोगों को रेहड़ी पटरी वालों से भी ऑनलाइन सामान मंगाने की सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य के 1,18,000 निबंधित फुटपाथी दुकानदार को स्वाभिमान ऐप से जोड़ा जाएगा। बता दें कि इस ऐप से जुड़ने वाले सभी वेंडरों को श्रम संसाधन विभाग की ओर से 48 घंटे का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें ऐप से जुड़ी सारी जानकारी सिखाई जा सके और उन्हें यह बताया जा सके कि इस ऐप पर सामान की जानकारी कैसे अपलोड की जा सकती है और आम लोग कैसे इस ऐप के जरिए ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। मालूम हो कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां स्ट्रीट वेंडर के लिए इस तरह की प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। हालांकि वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को राज्य के 5 जिलों में शुरू किया जा रहा है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना, वैशाली, नालंदा, सारण और दरभंगा शामिल है। मालूम हो कि इन जिलों के 1500 फुटपाथी दुकानदारों को ऐप से जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रशिक्षण का मकसद फुटपाथी दुकानदारों का कौशल विकास करना है। वहीं इन वेंडरों को PM स्वनिधि से आर्थिक सहायता भी दिलाई जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। बिहार समेत इन राज्यों में एक फसली भूमि के उपयोग से बढ़ेगा उत्पादन। एक फसली भूमि के उपयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, इसके लिए ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद के द्वारा बिहार समेत देश के 7 राज्यों में इसका अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां एक फसली भूमि है और जहां धान के बाद कोई फसल नहीं होती। बता दें कि इस बारे में परिषद के निदेशक अनूप दास के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इन 7 राज्यों में किसान बारिश के मौसम में धान लगाने के बाद मिट्टी में नमी की कमी के कारण किसान भूमि को 8 माह तक परती के लिए छोड़ देते हैं। वहीं अब अन्य कारणों का भी अध्ययन किया जा रहा है। मालूम हो कि बिहार के जिस जिले में एक फसल भूमि सबसे अधिक है, उनमें किशनगंज, कटिहार, गया, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर और शेखपुरा जिला शामिल है। राज्य के 11 जिलों में बनेंगे 16 पुल। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग की ओर से बिहार के 11 जिलों में 300 करोड़ रुपए की लागत से 16 नए पुलियों के निर्माण को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें कि इन पुलियों का निर्माण वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि जिन 11 जिलों में पुलियों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है, उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत सुपौल, पूर्णिया, सारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बेतिया, दरभंगा, बांका और अररिया जिला का नाम शामिल है, जिसमें सुपौल में
4, बेतिया में 3 पुल पुलियों का निर्माण किया जाना है। वहीं बाकी बचे अन्य जिलों में 1-1 पुल पुलियों का निर्माण की योजना को विभाग की ओर से मंजूरी दी गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे बुद्ध स्मृति पार्क के बारे में। बुद्ध स्मृति पार्क बिहार सरकार द्वारा भगवान बुद्ध के 2594 जन्मदिन के उपलक्ष में विकसित किया गया था। यह 22 एकड़ के उदार क्षेत्र में फैला एक शहरी नखल स्थान है। पार्क का मुख्य आकर्षण 2 बोधि वृक्ष है जो दलाई लामा द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है। भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को उजागर करने के उद्देश्य से बहुउद्देश्य पार्क में पाटलिपुत्र करुणा स्तूप, एक ध्यान केंद्र, बौद्ध धर्म पर कई पुस्तकों के साथ एक पुस्तकालय, एक संग्रहालय और साथ ही एक पार्क शामिल है। 200 फुट ऊंचा पाटलिपुत्र करुणा स्तूप एक गोलाकार संरचना है जो पार्क की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके कई प्रवेश द्वार है और घरों में भगवान बुद्ध का एक अवशेष है जो एक कांच के बाड़े में वैशाली से खुदाई किए गए 8 मूल अवशेषों में से एक है। कई अन्य अवशेष हैं परम पावन दलाई लामा द्वारा लाए गए और थाईलैंड, म्यांमार, जापान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका के कई भिक्षुओं ने विभिन्न ताबूतों में रखा। ध्यान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के मठों की योजनाओं पर आधारित है। इसकी 60 कोशिकाएं हैं और इनमें से प्रत्येक से सुंदर स्तूप को देख सकते हैं। कलाकृतियों के साथ संग्रहालय में बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में ऑडियो विजुअल और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां हैं। बुद्ध स्मृति पार्क बिहार सरकार द्वारा भगवान बुद्ध के 2594 जन्मदिन के उपलक्ष्य में विकसित किया गया था। बिहार इस साल कालाजार से होगा मुक्त, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल बिहार कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से समीक्षा के करने के बाद जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य में अब केवल 184 मरीज ऐसे हैं जो कालाजार से पीड़ित हैं, जबकि वर्ष 2014 में इनकी संख्या 8028 थी। ऐसे में वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार की माने तो करीब 9 साल से बिहार में कालाजार को बड़ी मात मिली है, जिसको लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भविष्य में सब कुछ ठीक रहता है तो अगले 2025-26 में WHO की ओर से भी इसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बता दें कि इसके लिए वर्तमान की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर साल कालाजार के मरीजों में लगभग 40% की कमी आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वर्ष 2023 तक बिहार कालाजार मुक्त हो जाएगा। गर्मी के कहर से बिहार में लोगों को मिली राहत। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि आज यानी कि 23 जून को राज्य के एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण के एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 24 जून की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल राज्य के एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण जिले के एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। गोपालगंज में नदी के रास्ते लाई जा रही शराब हुई बरामद। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद आए दिन इसके तस्करी की खबर सामने आती रहती है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से बिहार के गोपालगंज से नाव के जरिए शराब के तस्करी की खबर सामने आई, लेकिन समय रहते ही उत्पाद विभाग की टीम के नजर में यह खबर सामने आ गई और तस्करों के मंसूबे पर पानी फिर गया। दरअसल यह खबर गोपालगंज जिले के यादवपुर थाना क्षेत्र के भैसही गाँव के पास गंडक नदी के रास्ते हो रहा था, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जो नाव पर लदे थे उसे बरामद कर लिया। बता दें कि यहां शराब यूपी के रास्ते लाई जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा 80 कार्टन शराब बरामद किए गए हैं। बिहार के इन शहरों के लिए परिवहन विभाग चलाएगी सिटी बसें। बिहार के बड़े शहरों में आने जाने के लिए लोगों को सुविधा हो सके, इसके लिए परिवहन निगम की ओर से सिटी बस चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसके लिए निगम की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि सिटी बसों का परिचालन निगम की ओर से इसी वर्ष नवम्बर महीने से शुरू किया जाएगा। निगम की ओर से इसके लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है कि कहाँ कहाँ बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। हालांकि निगम की ओर से राज्य के जिन जिलों में बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है उसमें बिहार की राजधानी पटना समेत भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, भोजपुरी, सारण व बक्सर जिला शामिल है। मालूम हो कि इन जिलों में परिचालन शुरू होने के बाद राज्य के अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। जाने देश में किन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स। कई बार हमारे मन में यह सवाल उठता है कि किन गाड़ी वाले लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता होगा, तो हम आपको बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर बकायदा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि देश के किन लोगों को टोल टैक्स में छूट मिली है। बता दें कि जारी किए गए इस लिस्ट में कुल 25 लोग ऐसे हैं जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता। इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारत के चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज,
ब्रज संघ के राज्य मंत्री केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्ण सामान्य समकक्ष रैंक के रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ हाईकोर्ट जज सांसद थल सेना अध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव भारत सरकार के सचिव सचिव राज्यों की परिषद लोकसभा और अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फायर फाइटर डिपार्टमेंट शव वाहन राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य किसी राज्य का विधानसभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपनी पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार के इन जिलों में बनेंगे बहुमंजिला होटल व मार्केट कॉम्प्लेक्स। बिहार सरकार की ओर से जिला परिषद के खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल हो सके इसके लिए परिषद की जमीन पर बहुमंजिला होटल मार्केट कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल व विवाह भवन का निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। मालूम हो कि परिषद की जमीन पर इन चीजों के निर्माण हो जाने से परिषद को आंतरिक स्रोतों से कमाई होगी और उनका राजस्व बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिला परिषदों के पास कुल 37,964 एकड़ जमीन है जिस पर पंचायती राज मंत्री की ओर से लगान की रसीद काटने का निर्देश दिया गया है और साथ ही अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि जिन जिलों के जिला परिषद में बहुमंजिला होटल मार्केट कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल व विवाह भवन का निर्माण किया जाना है उनमें अररिया किशनगंज नवादा औरंगाबाद जहानाबाद शिवहर सिवान बेगूसराय भोजपुर बक्सर दरभंगा गया जमुई कैमूर कटिहार खगड़िया मधुबनी और पूर्वी चंपारण का जिला परिषद शामिल है। आज है विपक्षी दलों की महाबैठक। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज यानी कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है जिसमें भाजपा के विरोधी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का जुटाव होने वाला है। बता दें कि आज होने वाली यह बैठक एक अनेक मार्ग स्थित सरकारी आवास के नेक संवाद कक्ष में आयोजित की जाने वाली है जिसकी शुरुआत 11 बजे से होगी और शाम 4 बजे तक चलने वाली है। मालूम हो इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के लिए बिहार सरकार की ओर से विशेष लंच और डिनर की तैयारी की गई है जिसमें मेहमानों को बिहारी व्यंजन भी परोसे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज होने वाली इस बैठक की अगुवानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जाएगी। मालूम हो कि कई नेता ऐसे भी होंगे जो बैठक के तुरंत बाद रवाना हो जाएंगे तो वहीं कई नेता 24 तारीख को रवाना होंगे। सुशील कुमार मोदी ने लालू नीतीश पर बोला हमला। बीते दिन बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक से बिहार की जनता को कोई संदेश नहीं मिलने वाला। यह बैठक जेल के डर से बुलाई गई है। विपक्ष लाख प्रयास कर ले लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि बिहार की 40 की 40 सीट बीजेपी को मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव का सेंटर तो रहा ही है। यही वजह है कि पिछले लोकसभा में बीजेपी को 39 सीट मिली थी और तेजस्वी यादव को खाता भी नहीं खुला था। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का एक भी एमपी ना हो वह इतने सांसदों वाली पार्टी को चुनौती दे रहा है। नीतीश कुमार ने पहले प्रयास किया था कि जनता परिवार एकजुट हो जाए लेकिन वह नहीं कर पाए। अब उनके विधायक 115 से 44 पर आ गए हैं। वहीं लालू यादव के बिहार में 150 सीट थे जो घटकर 22 हो गए यानी कि उनमें भी वोट ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। आईपीएल 2024 में धोनी की वापसी पर सीएसके के सीईओ का बड़ा बयान। पिछले काफी समय से ऐसी खबर चल रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 में नजर नहीं आएंगे। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अब तक कोई सटीक बयान नहीं आया है लेकिन अब इस मामले पर चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य अधिकारी काशी विश्वनाथन के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल उन्होंने ESPN क्रिक इन्फो से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को ऋतुराज गायकवाड़ के शादी के दिन वो धोनी से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 3 हफ्ते तक आराम करने के बाद वो अपना रिहैब सेशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि धोनी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है इसलिए हम धोनी से नहीं पूछेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। उनका जो भी फैसला होगा वो हमें खुद बताएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने 2008 में सिफारिश की। टायर बनाने वाले देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने 2008 में मैक्सिको के टायर कंपनी टोर्नल व उसकी सहायक कंपनियों सहित $270 करोड़ का अधिग्रहण किया। गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में विश्व धरोहर सूची शामिल हुआ। गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में हुआ। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्म 1934 में हुआ। प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्म 1936 में हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी में से एक है। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन 1761 में हुआ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर की जेल में 1953 को निधन हुआ। भारतीय नेता एवं इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन 1980 में हुआ।
बारकर में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड अपडेट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड अपडेट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया गया है कि अगर ग्राहक का पैन कार्ड अपडेट नहीं किया गया तो उसका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस ऐसा कोई संदेश कभी नहीं भेजता। कभी भी अपना व्यक्तिगत और बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें। व्हाट्सएप पर भी जल्द कर पाएंगे स्क्रीन शेयर। बहुत जल्दी अब व्हाट्सएप में भी यूजर्स को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिलने वाला है। बता दें कि फिलहाल इस पर काम चल रहा है और ये कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक कंपनी स्क्रीन शेयर फीचर पर काम कर रही है जो यूजर्स को वीडियो कॉल के दौरान बॉटम नेविगेशन बार में मिलेगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन को दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये फीचर ग्रुप कॉल और ऑडियो कॉल के लिए भी उपलब्ध होगा या नहीं। ये फीचर फिलहाल व्हाट्सएप बीटा 2.23.11.19 में मौजूद है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के इन लाभार्थियों पर दर्ज होगा केस। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे लाभार्थी जिन्होंने आवास निर्माण के लिए सरकार से राशि तो ले ली है लेकिन बीते 3 महीने में किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उनके पैसे वसूलने को लेकर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ऐसे लाभुकों के खिलाफ CO की ओर से कार्रवाई की जाती थी लेकिन अब यह कार्रवाई BDO के द्वारा की जाएगी। इसके लिए 1 सप्ताह पहले से ही जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशासन की ओर से ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने की शुरुआत कर दी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, सदुल्ला पलवी, शिव, नन्नू गोलू कुमार, बद्री कुमार, संजीव मेहता, लक्ष्मी मेहता, पवन सिंह, इंद्रजीत यादव, नंद कुमार सिंह, पंकज कुमार दास, गुनगुन कुमारी, राजकिशोर महतो, प्रयाग सिंह, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज होने वाले विपक्षी एकता की बैठक से 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।